What's up, people? Welcome back to my channel. और ये बगा काय झाला है, मुझे होठ बाहर आला है, ती सुजला है, बहुत मुंह बताता था ऐसा ऐसा, अभी ऐसा ही हो गया. सो अब रिसर्च को हो गए 3 साल ब्रो, और अभी तक ये गया नहीं है. ओके, 3 साल मतलब 1-2 साल में ही निकल जाना चाहिए था ब्रसेल्स. मुझे पहले अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो गया, फिर से 2017 को लगाया था मैंने ब्रसेल्स. ओके, और अभी हो रहा है 2021 जून. सो मैंने मेरे लाइफ में ब्रसेल्स को बहुत कैरी किया है, बहुत. और अभी जाके लाइक लॉकडाउन के बाद अभी जाके जस्ट कुछ 2-3 दिन पहले मैं जाके कांदिवली जाके वो ब्रसेल्स वाले से अपॉइंटमेंट लेके आया. बहुत अलग सीन था, और लेकर भी आया, और इधर दांत को कैविटी भी हो रखी है भाई. तो मेरा भाई पाउस तो खूब है, पर अजून मैं करूँ का है. आता घरी बसून फोन मध्ये वीडियो बनवायचा आहे, एडिट करायचा आहे, आणि काय नाही. होठांची पण वाट लागली आहे, जे नाही झाला पाहिजे होता भाई. हे कॅव्हिटी पण झाली मला सर्वात पहिला, नंतर ब्रसेल्स पण लेट झालं. मी अपॉइंटमेंटसाठी मिस केले म्हणजे, आणि मला तो फोन पण नाही करायचा. मी त्याला फोन करून बोलायचो, तरी पण तो बोलायचा की मी तुला बोलतो जेव्हा मी इथे येतो. तर असं करून खूप टाईम जात गेला आणि मला अपॉइंटमेंट नाही भेटला, त्याच्यामुळे असं झालं. अगर तुम्ही ब्रसेल्स केलाय तर टायमावर अपॉइंटमेंटला जावा, केअर करा, सॉफ्टली ब्रश करा, आणि जेवढा लवकर होईल तेवढा लवकर अपॉइंटमेंटला जाऊन हे क्लिअर करा, नाही तर असं 3-4 वर्ष तुम्हाला कॅरी करावं लागतील. मला माहीत नाही आता ह्याचा काय होणार आहे, आणि हे दाताचं त्यांनी डॉक्टरनी मला सांगितलं की हे सर्व दात निघूसुद्धा शकतात, आणि मी म्हाताऱ्यांसारखा विना दाताचा राहू शकतो. म्हणजे ह्या वयात हे वासुदेव कसले पापा भुगतो मी. रात से ही मेरी हालत खराब थी, और देखिए अभी क्या हो गया है. ये बहुत ही ज्यादा सूज गया है, वाट लग गई बड़ी भाई, वाट लगी पड़ी है. जस्ट मैं बाहर आया हूँ ब्रो, और यू कैन सी दिस इज ये हाल है मेरा. क्या ही करे भाई, क्या ही सीन है. हाय. अभी जस्ट नहा के हुआ है, पर मुझे नहीं पता इसका क्या होने वाला है. अगर हमेशा हमेशा के लिए ये मेरे मुंह पे ही ऐसे बस गया तो मैं दिमाग से जरा खस जाऊंगा. मेरा आवाज में भी आपको हलचल चलचल और अलग सा सुनाई देगा, क्योंकि पूरा कार्टून हो गया हूँ मैं, पूरा ही पूरा का पूरा कार्टून हो गया हूँ मैं. क्या से क्या हो गया, नथिंग इज परमानेंट भाई इस दुनिया में, नथिंग. सो स्टे हैप्पी इन व्हाट यू हैविंग, एंड बस खुश रहो भाई, बहुत कुछ है आपके पास. जब तक है लिव इन प्रेजेंट, फ्यूचर का मत देखो. कल हो ना हो, तुम रहे भी ना रहे, किसी को नहीं फर्क पड़ता, खाली फैमिली को पड़ेगा, और कभी भी कुछ भी होएगा. सो उसके लिए जस्ट अच्छे डीड्स करना चाहिए हमें. ओके, और बहुत फनी लग रहा है ना. ठीक है भाई, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है. नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप. ओके, देखते उठने के बाद क्या होता है. दवाई लिया है, खाना खाया है. Hope for the best. Peace out.